प्रतिशत अनुपालन किया और अनुपालन करने के साथ साथ आप सभी में कोऑपरेशन हमको बहुत अच्छा देखा। अगर जो भी थोड़ा बहुत छोड़ करके जो भी आप लोगों ने कार्य किया उसमें सबसे बड़ा एक सहयोगात्मक भावना आप में दिखी, उसके लिए मैं आप सभी की बहुत सारी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। दूसरा, कांवड़ यात्रा जो है हमारा सकुशल संपन्न हुआ। कांवड़ यात्रा के पीछे पूरा प्रदेश सरकार लगी हुई थी, जिसमें SSP साहब ने, आप सभी को पता होगा यहाँ पर, कि कांवड़ यात्रा पिछले साल को छोड़ करके उसके पिछले साल में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था अम्बेडकर नगर में, जिसको लेकर के गोसाईगंज जो है काफ़ी संवेदनशील था। इसी को लेकर के हमारी ड्यूटी ही कहीं नहीं लगाई जाती थी। आज भी जो ड्यूटी चार्ट आया है, मेरी ड्यूटी उसमें नहीं लगी है, बल्कि पूरे जनपद के थानाध्यक्षों की लगी है। तो इसका मूल श्रेय और मूल कारण आप ही हैं कि आपने मेहनत किया। हम महबूबगंज तो जा नहीं रहे देखने के लिए महबूबगंज क्या हो रहा है, हम तो किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पर ही रह सकते हैं जहां पर मैंने आपको देखा, और आप वहां खड़े मिले और अपने कार्य में खड़े उतरे। आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं और आप सभी लोगों की जितनी तारीफ की जाए, मैं समझता हूं कि मैं जब तक यहां एज ए थानाध्यक्ष रहूंगा तब तक आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र रहेंगे। आपका मेरे स्तर से मैं आपको वचन देता हूं, थोड़ी बहुत गलती छोड़ करके नुकसान होने की स्थिति नहीं आएगी। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए, काम में पूरा मनोयोग के साथ आप काम करिए और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया आपने, और आपने आज बकरीद का जो संवेदनशील त्यौहार था, जो कांवड़ के साथ साथ आज सावन का अंतिम सोमवार था उसमें बकरीद बहुत ही संवेदनशील था, इसको लेकर के भी आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से मेहनत किया। अब तो हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे को क्यों, ये हल्का नंबर एक में अभी कोई समस्या है क्या, उधर हो गया संपन्न, आपके यहाँ हो गया दीवान जी, सब बकरा उकरे सब कट गए। गया हूँ कैसे दुआएं दूं मैं, मुश्किल में आ गया हूँ, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो टूटता न फूटता, मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो टूटता न फूटता, मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। अगर दिल हमारा